लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और ये देख रहे भाई चपाती भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा पजल सॉल्व कर रहे हो? मैंने उसी गन को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। गन मैंने तो भाई है। मेरे को पूरी रेसिपी फिर से इकट्ठा करके टेप लगानी है, तेरी वजह से हुआ है। अच्छा ये रेसिपी क्या कर रहे हो तू? गया गन नीचे कर दो, मिलेगी। देखो देखो भाई ऐसा नहीं करना आपको, टॉयलेट के अंदर। अच्छा जाता हूँ दरवाजा बंद कर चल। अच्छा बंद करता हूँ दरवाजा बंद। ये लो बाहर, हाँ ठीक है ये लो। और अगर जरा सी बदबू फैलाने की कोशिश की ना टॉयलेट के अंदर, बताता हूँ लाइट ही बंद कर दो। बैठा रहा अंधेरे में, आप बिल्कुल बात ही नहीं मानता यार ये। कब से धक मत कर, हमारी पूरी रेसिपी लग रही है अभी। इसके ऊपर मेरे को सेलो टेप लगानी है। ये जाएगी ऐसे। अच्छा देखो चपाती भाई सॉरी मैं फिर से नहीं करूंगा ऐसा। बाहर कैसे आया तेरी? अरे वो लॉक खुला था। चल अभी तेरी पनिशमेंट ये है कि तुझे मेरी हेल्प करनी है। हाँ हाँ मैं जरूर जरूर रेसिपी पे कर। ये अभी डैमेज मत कर ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेट्स गो गाइस, फाइनली आज बनेगी हमारी खतरनाक वाली दाल। तो ये रही वो दुकान जहाँ पर हमें पूरे दाल का सामान मिल सकता है। भाई सबसे पहले काम करते चटनियाँ लेती हैं। देख रहे हो तो दाल की शक्ल शुरू होते है यहाँ से और खत्म होगी वहाँ पर। इतने टाइप की दालें होती है मेरे को पता भी नहीं था। चपाती भाई सारा सामान लेकर आ चुके हैं। ये कौन सा तरीका होता है बाहर निकालने का? अच्छा 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 हाँ अच्छा सही से निकाल रहे हो। गाइस ये रही हमारी सबसे खतरनाक वाली सॉस, उसके बाद ये वाली सॉस, उसके बाद एक टमाटर, उसके बाद ये गाइस हमारी क्या कहते हैं इसको, इसको चिली पाउडर कहते हैं, उसके बाद पीली दाल और फाइनली लाचियां। ये मैं एक्चुअली चाय के लिए लेके आया हूँ क्योंकि जब भी चाय के लिए लाचियां होती नहीं है, खाली पड़ी है यहाँ पर। तो गाइस दाल बनाने से पहले सबसे पहले आपको दाल की हरकतें और दाल की कलाकारी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें दाल के टेक्सचर को ढूंढना है। ऐसे ऐसे घुमा के डालेंगे इसको गैस के ऊपर। इस बड़े लिफाफे में से हमने सिर्फ एक ही निकालना है ठीक है? तो एक को डालेंगे यहाँ पर। उस क्या लिख रहे हो अभी? ये दाल का फॉर्मूला है। ओ, इसके अंदर कैल्शियम, फाइबर और पोटेशियम भी पड़ा हुआ दाल के अंदर। वो भाई ये फिर देते हैं। ओके गाइस अभी मैंने सारी चीजें लिख ली हैं और अभी अभी धुआं देख रहे हो? ओ भाई धुएं को मुझे कैप्चर करना है। इसको ऐसे बांध के ना, अभी इसे होगा क्या? इसके ऊपर बात एक्सपेरिमेंट करेंगे धुएं के ऊपर। पता नहीं चपाती भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने गाइस ये दाल की फोटो ली है और पता नहीं क्या घूर घूर के देख रहे हैं। देख रहे हो गाइस दाल का टेक्सचर कैसे टूटा हुआ है? तो ये थोड़ा बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। भाई ये क्या कौन सा फॉर्मूला ढूंढ रहे हो? ये वाला दाना ये इसको यहाँ से निकालना है मेरे को। पूरी भाई पूरी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पर दाल के ऊपर, एक्सपेरिमेंट भाई रिसर्च पूरी होनी चाहिए। कैसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हो और ये क्या लिख रहे हो आप? ये कौन सी भाषा है? ये छपरी भाषा है ये वाली। ये कोड वर्ड होते हैं। ओ अच्छा अच्छा हाँ हाँ कोड वर्ड है। अगर ये फॉर्मूला लीक हो गया ना। अभी मेरे को चेकआउट करना है कि दाल 7-Up के अंदर कैसे अपने लक्षण दिखाएगी। साफ ही नहीं किया यार। क्या है यार सारी गिर गई। मेरी पूरी मोम गंदी हो गई। साफ करो इसको भी यार। ये लो थोड़ी सी मेरे लिए भी डाल दो, एक्सपेरिमेंट का माल पीते नहीं है। ये ले अभी इसके अंदर थोड़ी सी मैं कर लूं। करो तो वो अभी गाइस वो अभी अगर इसके अंदर थोड़ी सी मैं नमक डाल के देखूं तो ओ भाई गिर रहा गिरेगा नहीं। गिरे एक्सपेरिमेंट देख रहे हो? ये देख रहे हो गाइस ऊपर से? ओ भाई साहब ये तो पोटेशियम मॉलिक्यूल के कार्बोनेट के पार्टिकल होते छोटे छोटे। तो दाल की मस्त वाली कलाकारी और हरकतों को समझने के लिए मेरे को एक्चुअली दाल मंगानी है बाजार से और देखने की वो कैसे दाल बनाते हैं और उनकी दाल को पूरा एनालाइज करके तब जाके हम अपनी दाल बनाएंगे। तो ये वाले रेस्टोरेंट से गाइस घर के सामने वाले रेस्टोरेंट से मैंने दाल ऑर्डर किया। पागल बंदे को मैंने बोला ये सामने वाले घर में ही रहता हूँ, कहते नहीं उठा के लेके जानी पड़ेगी आपको। ये तो कुछ ज्यादा येलो है, ये सूप है की दाल है। और ये है अपनी गाइस बाजार की दाल, देख रहे हो कितनी पतली है। ये दाल कहाँ पर है इसकी? दाल के दाने कहाँ पर हैं? But anyways guys, इसका अगर टेक्सचर चेक करें तो हम आज दाल खाएंगे चपाती के साथ। तो यार चपाती यूटिंग दाल All right, नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया इसने, हल्दी भी थोड़ी ज्यादा डाल दी इसने। चौकू बंदे को दाल बनानी आती भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं guys, अपनी दाल इससे तो बेहतर होगी। ओके चलो रेडी हो जाओ। तो गाइस रेसिपी के अनुसार पहले हमें दाल को उबालना होगा बड़े पतीले में। तो यही घर के अंदर यही बड़ा पतीला था। ये दाल उबालेंगे ग्लास के अंदर, आवाज में आती है।
काफी है। हाँ अरे इतनी काफी होगी सर एक ही बंदे के लिए। अभी गाइस रेसिपी की बता रहे, मुझे दाल के लिए तड़का भी बनाना पड़ेगा, तो तड़का लगाना एकदम सुपर इजी है। दो अनियंस और ये धनिया और साथ में इसको धनिया नहीं टमाटर बोलते हैं, टमाटर, और उसके बाद इसको सबको एक ही पैन के अंदर डाल के हो गया। वैसे गाइस आप देखोगे फिल्मों में ऐसे मारते हैं प्याज पड़ जाता है, अभी देखियो बढ़िया कुछ भी नहीं हुआ गैस ही ऑफ हो गई भाई, ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं ये क्या करती है इसने? अरे थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, मोटर सार दी चपाती भाई ने, ऐसी खराब हो गई यार। अभी आ रहा है प्लान बी, अभी ये देखो गाइस पूरा पतीला ही चेंज हो रहा है कर क्या रहे हो ये दाल यार, यार। ये दाल वेस्ट नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, सारी दाल ग्लास के टॉप साइड पे चिपक चुकी है, और ये देख रहे चपाती भाई कैसे निकाल रहे हैं, कैसे क्यों निकल रहे हैं कैसे काट रहे हो, प्याज को लग ही नहीं रहा है मैंने अभी कहा एक बात नोटिस की है, ये क्या है, ये तो हमने काटा ही नहीं और नेक्स्ट आता है टमाटर। गाइस मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ ऐसे आपको नहीं काटना है भाई, ये तो वही टॉम एंड जेरी वाली सॉस है सबसे तेज, ये जैसे ही आप डालोगे अंदर से आग निकलेगी। ओ भाई लिटरली एक ड्रॉप निकल रही है, ऐसे देख रहा तू, एक एक बूंद निकल रही है। तो थोड़ी बहुत हम स्पाइसी वाली दाल बनाएंगे यहाँ पर, लगे घी एकदम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसके बाद आएगी अपनी हल्दी। खुल गया ना, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मसाले के डिब्बे के अंदर रेसिपी में लिखा था कि मसाले जो है बाजार से लेके आने हैं, रेसिपी के खिलाफ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओ तेरी, इतना सारा नहीं डालना था, स्पाइसी वाली। अभी नेक्स्ट आएगा मिर्चे, ये एकदम से सही से डाल दी है, थोड़ी सी डाल दी है, इतनी काफी है भाई, स्मेल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली आ रही है बहुत ज्यादा भाई, खतरनाक चटनी। और इसके बाद गाइस हमारा फाइनल पड़ाव, ये धुआं हमने कुदरे खाने पकड़ा था तो इसको छोटा सा छेद करके ना वापस के अंदर छोड़ना है एक्स्ट्रा। ओ भाई हिल गया मैं। इसके बाद गाइस रेसिपी के मुताबिक हमें दाल को, उबली हुई दाल को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डाल के छोटा छोटा काटना है, ठीक है भाई? मुझे डेफिनेटली पता है इस रेसिपी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ सही है। तो गाइस मेरा चॉपिंग बोर्ड एकदम से रेडी हो चुका है, तो यार प्लीज चैनल की पर नए हो तो सब्सक्राइब। ये तो बॉटम लगेगा इसका यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कर रहे हो, बर्गर नहीं बना रहे हैं? उसको काटनी है भाई, देखो पता कितना टाइम लग रहा है उसको काटने में। उसके बाद गाइस सारी कटी हुई दाल जो है वापस इसके अंदर डाल के ना थोड़ी देर के लिए मेरे को और उबालनी है। और अभी गाइस आ चुका है द फाइनल स्टेप, लेकिन ये स्वाद इसी टमाटरों में ही है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया गाइस, एकदम अपनी दाल रेडी, देख रहा है मस्त लग रही है तड़के वाली दाल। और अब भी इसको डालेंगे इस भांडे के अंदर, और कैसे इस भांडे के अंदर दाल की भांडा फूट जाएगा, दाल सारी अंदर रह गई, टेक्सचर देख रहा, टेक्सचर दाल का। चलो अभी टेस्ट तो करनी पड़ेगी, टेस्ट की बात नहीं हुई थी भाई। अच्छा करनी पड़ेगी, चलो टेस्ट करो यार, टेस्ट की बात नहीं हुई थी, दाल बनाने की बात हुई थी। अरे भाई टेस्ट तो आपको करनी पड़ेगी, देखो तो सही आपने कौन सी चीज बनाई है यहाँ पर। ओ भाई कहाँ चले गए हेलो, सारा जूस का वो खत्म हो गया था। अच्छी है ना, हाथ तू ट्राई कर मेरे हाथ में गन है, मैं बैग लेके आऊंगा तेरे को ट्राई करनी है दाल, चम्मच रखना और शुरू हो जा। मैंने गोली मार देनी है, इसके अंदर गोलियां नहीं है। अच्छा गोलियां नहीं है यार, मेरी मां के खाने की, लेट्स गो। अरे यार मुझे नहीं खाना, दूसरा निकालता हूँ, रुको भाई ये क्या था, झूठ क्या, अरे ओ अच्छा दे दो। तो लॉगिन है गाइस, दाल खा ली, बहुत टेस्टी लगी उसको, मैंने दाल ट्राई की बहुत टेस्टी लगी, अब मेरे को तीन चार बंदे और चाहिए दाल को टेस्ट करने के लिए। हैंग वाला सेकंड डोर पे कोई है, नॉक कर रहा डोर के ऊपर, अरे रुक रुक तेरे को भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है। आज अंदर बता रहा हूँ ये बंदा लॉगिन नहीं है, पहले मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ये लॉगिन नहीं है, ये देख
स्पेशल इंटरनेशनल दाल ट्राई कर। चल आराम से फूके मार के खाइए, बहुत तेज है ये। सूप नहीं पीना, दाल दाल का यहाँ पर दाल तो लेना, सूप ले रहा है इसका, इतनी मतलब थोड़ी ले, बजट नहीं होता इतना। बहुत टेस्टी है ना। नहीं फ्रिज नहीं खोलेगा, फ्रिज नहीं खोलेगा तू, चल यार फ्रिज के अंदर से। बता तेरे को दाल पसंद आई कि नहीं आई? हाँ बहुत पसंद। बता नहीं तो मैं तेरे को दाल फेंक के मारूंगा। रुको अभी डोर कीपर कोई है? है गोरा सेकंड, और बकरी आ रही। हेलो आइए दाल खिलाता हूँ तेरे को। बहुत टेस्टी है पता है, अमेरिका ढूंढ रहा है रेसिपी दाल की। ये भी जाके खांस रहा है। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ जे के अपार्टमेंट में, तो हमारा लास्ट कैंडिडेट है दाल का जे। हर बारी मेरे को बोलता है ये रे हाथ की दाल खानी है, अभी वो टाइम आ चुका है। तो ये रहा गाइस उसका कमरा नंबर 216। हां जे ये देख, 216 नहीं है, तेरे लिए मैं दाल लेके आया हूँ, वो भी जापानी दाल है, जापानी दाल। इतना डब्बा भर के स्पेशल दाल है भाई। ये कब ये भाई लिटरली, ये मैं जोक नहीं कर रहा ब्रो, एकदम फ्रेश दाल है। ये देख रंग देख दाल का, कोई महान बंदा था उसने बना दी। रुक नहीं नहीं इससे पहले कि ये मेरे को मारे में दरवाजा खोल लेता हूँ यहाँ से। चल हवा नहीं चाहिए ना, हवा नहीं चाहिए, बहुत बहुत तेज है ये दाल। देख रहा है? हाँ देख रहा है। मार मार मास्टर शेफ इंडिया, मार ना खा ना खा। ए जरा चेहरे पर नूर आ गया तेरी दाल खा के। अच्छा टॉयलेट जा रहा है जे, ठीक है ना तू? भागो भागो ओ, भाई बच गया भाई। भाई भागते भागते मेरे घर तक आ चुके हैं, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, ये दाल खाने के बाद सारे बंदे मेरे पीछे भागे क्यों हैं? और फाइनली गाइस वीडियो खत्म करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके अभी 8 मिलियन होने वाले हैं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आज ही हो जाएंगे। बट एनीवेज गाइस सॉरी मैंने बहुत लेट कर दिया, और मेरे को अभी नेक्स्ट वाली वीडियो बनानी है जो 6 मिलियन की थी, और उसके बाद 7 मिलियन वाली वीडियो बनानी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी एक ही लाइन में आ जाए। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में।